उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में बड़ निष्पत्ति महिला एवं छोट पिला विरोध में अपराध मामलें अभियुक्त को एणिकी आगुआ जमिन मिलना एभली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति योगी कैबिनेट केन्द्र सरकार नुआ अपराधिक आईन में आगुआ जमिन व्यवस्था थे राज्य सरकार संशोधन अध्यादेश आनी कैबिनेट मंजूरी दे राज्यपाल सहमति पर गृह विभाग एने अधिसूचना जारी कर विशेष परिस्थिति को दृष्टि रखी उत्तर प्रदेश सरकार संशोधन कर आगुआ जमिन न मिलवा फल जौन शोषण मामलें अभियुक्त मानक मेडिकल जांच जल्दी हो पार छड़ा पीड़िता महिला कि पिला कौनसी प्रकार भय किंबा चापर शिकार होगा पड़े ना नुआ अध्यादेश रे देश किंबा सरकार विरोधी गतिविधि अवैध धर्मांतिकरण मादक द्रव्यर चोराचालाण संगठित अपराध ऑफिशियल सीक्रेट आक्ट को मध्य सामिल कर सबू अपराध में मध्य अभियुक्त को आगुआ जमिन मिलना हमारी सरकार की शुरू से प्रतिबद्धता रही है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसको हम बहुत सीरियसली लें और उसको सीरियसली लेने की वजह से कि हमने अलग से प्रोविजन भी किया है इस बात का क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में जो केंद्र सरकार के जो लाज हैं उससे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा फर्क है। हमारा फोकस इस बात पर है कि इन ऐसे लोगों को जो गैंगस्टर में हों या पॉक्सो अटैक में हों या किसी प्रकार से बच्चों के खिलाफ जो जो अपराध हों उनमें एंटीसिपेटरी बेल न दी जाए। उसमें 438 का था सीआरपीसी में सेक्शन, अब इसमें 482 होगा, यानी कि जो उसके स्थान पर नई हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है सीआरपीसी को रिप्लेस करके, उसमें 438 जो सेक्शन था पहले अब वो 482 हो गया। और जो मैंने अपराध बताए इन अपराधों में किसी भी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल न दी जाए इस बात का भी आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।